आइए अब देखते हैं बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की कुछ और लेटेस्ट खबरें फटाफट टॉप 10 अंदाज में। टॉयलेटिक प्रेम कथा ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है, लेकिन असली जया फिल्म के निर्माता निर्देशक से नाखुश है। बताया जा रहा है कि उन्हें सिर्फ 5 लाख रुपए का चेक दिया गया है। बता दें कि फिल्म मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की रहने वाली अनीता मारे की लाइफ पर बनी है, जिन्होंने 2012 में अपना ससुराल छोड़ दिया था क्योंकि वहां टॉयलेट नहीं था। अक्षय कुमार स्टार रोबो 2.0 के पोस्टपोन होने की खबरें काफी समय से आ रही थी, लेकिन अब अगर सूत्रों की माने तो ये तय है कि फिल्म 25 जनवरी 2018 को ही रिलीज होगी और इसी के साथ ये फिल्म सिद्धार्थ मल्होत्रा की अय्यारी के साथ क्लैश भी करेगी। खबरें हैं कि फन्ने खान में ऐश्वर्या राय बच्चन और अनिल कपूर हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई भी सीन साथ में नहीं होने वाला है। खबर है कि फिल्म में ऐश के साथ आर माधवन रोमांस करते नजर आ सकते हैं। अजय देवगन ने हाल ही में फिल्म रेड को साइन किया है, जिसमें वो उत्तर प्रदेश के एक इनकम टैक्स ऑफिसर की बायोपिक के रोल में दिखेंगे। इस फिल्म की हीरोइन के लिए इलियाना डिक्रूज का नाम फाइनल माना जा रहा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के मंझे हुए कलाकारों में से एक है। इस हफ्ते ही उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज रिलीज होने के लिए तैयार है। नवाजुद्दीन का मानना है कि वो मौजूदा समय में अभिनय के मामले में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले अभिनेता हैं। श्रद्धा कपूर प्रभास के साथ फिल्म साहो से पहले सायना नेहवाल की बायोपिक के लिए बैडमिंटन की ट्रेनिंग शुरू करने वाली हैं। दरअसल श्रद्धा जिस शख्स से ट्रेनिंग ले रही है वो कोई और नहीं बल्कि दीपिका के पापा प्रकाश पादुकोण हैं, जो अपने समय के जाने माने बैडमिंटन प्लेयर थे। पिछले दिनों खबर थी कि सुजीत सरकार की अपकमिंग फिल्म में वरुण के अपोजिट दीपिका पादुकोण नजर आ सकती है, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर सुजीत सरकार ने कन्फर्म किया है कि अभी तक इस फिल्म की एक्ट्रेस फाइनल नहीं हुई है। खबर है कि साल सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में गणेश उत्सव नहीं मनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि अर्पिता के चलते घर में गणपति रखे जाते थे, लेकिन अब उनकी शादी हो चुकी है। ऐसे में पूरा खान परिवार अर्पिता के ससुराल में गणपति उत्सव मनाएगा। बादशाहों के एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने खुलासा किया है कि उनके साथ हाल ही में एक फैन ने पब्लिक प्लेस पर छेड़खानी की है। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी। उन्होंने लिखा कि भले ही वो एक सेलिब्रिटी है, लेकिन एक औरत भी है। मुंबई में शाहरुख खान की बेटी सुहाना और चंकी पांडे की बेटी अपने एक दोस्त के साथ क्लोदिंग लाइन को प्रमोट करते हुए नजर आई, जहां सुहाना और अनन्या पांडे स्टाइलिश लुक में स्पॉट हुए। इनके साथ ही संजय कपूर की बेटी भी नजर आई। हाय, मैं हूं शिल्पा शिरोडकर और प्लीज कीप वाचिंग आईबीसी 24। हाय, आई एम फैसल खान एंड यू आर वाचिंग आईबीसी 24। कीप वाचिंग। हाय गाइस, दिस इज रणदीप सिंह एंड यू आर वाचिंग आईबीसी 24। हाय, दिस इज अली फजल एंड यू आर वाचिंग आईबीसी 24। Hello, this is Sandeep Soparkar and you're watching IBC 24. Hi, my name is Jay Soni and you're watching IBC 24.